लाइन चेक किया जाता है स्टेप टू स्टेप, तो ये सारे आपको सिग्नल लाइन के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बक 4, बक 3, एलडीयू 3, बक 2, बक 5, एमपीपी आपका मल्टीपर्पस पिन, वेरिएक 8.5, ये सारे स्टेप टू स्टेप क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। दोस्तों एक बार फिर से मल्टीटेक के YouTube चैनल में आज आप लोगों का स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हुक सीक्वेंस के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, यानी इसमें कोई आपको कोई छिपाया नहीं जाएगा, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप कैसे पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो कौन कौन सी लाइन कब कब कैसे कैसे एक्टिव होती है, ठीक है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं। और ये जो होगा ये होगा एक आपका स्पेशलिस्ट PM8937 और PM8940 का बिल्कुल सीक्वेंस डेड मोबाइल का, मतलब कैसे फोन ऑन होता है, कौन सी लाइन कब एक्टिव होती है, कैसे होती है, कितनी सप्लाई पे एक्टिव होती है, फिर उस सप्लाई के लिए कौन से आईसी से वहां पे भेजना होता है, बिल्कुल आपको प्रॉपर वे से बताने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जो आईसी जो सीक्वेंस है पावर ऑन सीक्वेंस, ये आपके स्पेशलिस्ट PM8937 या फिर PM8940 के लिए स्पेशलिस्ट, कोई भी फोन आता है आपको उसमें देखना है कि PM कौन सी लगी है। अगर PM ये लगी है 8937 और 8940, सीक्वेंस बिल्कुल आपको ऐसे ही चेक करना है स्टेप टू स्टेप, और किस कंडीशन में, डेड मोबाइल की कंडीशन में। तो डेड मोबाइल कंडीशन आपको दो तरीके से हो सकता है, हार्डवेयर से भी और सॉफ्टवेयर से भी। तो आपको तो पता होनी चाहिए कि क्या फॉल्ट, किस टाइप के फॉल्ट में सॉफ्टवेयर होता है और किस टाइप के फॉल्ट से हमारे हार्डवेयर होता है, यानी डेड में भी हम चेक करते हैं, पोर्ट वगैरह चेक करते हैं। तो जैसे आपको पता चला, देखिए सबसे पहले तो आपको जो है ना डेड मोबाइल के लिए आपको सेक्शन और आईसी की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, पहला। दूसरा, कंपोनेंट को अच्छे से डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट जैसे मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, आपकी एलडीयू, वो सारे कंपोनेंट क्या काम करता है, क्या टेस्टिंग होता है, वो आपको प्रॉपर वे से पता होनी चाहिए। तीसरी स्टेप, आपको सप्लाई के बारे में पता होनी चाहिए कि वीवेट लाइन क्या होता है, वीपीएस क्या होता है, सप्लाई आपका बक क्या होता है, एलडीयू क्या होता है, ईवीआई क्या होता है, पीएक्स क्या होता है, बीसीसी क्यू क्या होता है, डीवी क्लॉक क्या होता है, स्लिप क्लॉक क्या होता है, ये सारे लाइन जो है ना आपको पता होनी चाहिए। और देखिए जितनी आपकी नॉलेज होगी टाइम उतने कम लगेगा रिपेयर करने में, नॉलेज कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा, हो सकता है फोन रिटर्न कर दें, नॉलेज होगी तो आप इजी वे से थोड़ा टाइम ज्यादा लगे लेकिन सभी लाइन सभी वोल्टेज सिग्नल को चेक करके आप इजीली फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको अब हम बताने जा रहे हैं स्टेप टू स्टेप। तो देखिए सबसे पहले अगर आप डीसी मशीन से चेक कर रहे हैं और चेक करने के बाद पावर बटन को जैसे प्रेस कर रहे हैं, यानी डीसी कनेक्ट किए हैं, जैसे हम आपको डूडल करके थोड़ा सा इमेजिन करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लासेस भी ऐसे दिया जाएगा, जैसे जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे आप बैठे हैं और आप सीख रहे हैं, जैसे एज ए फ्रेशर है या एज ए आप पहले से काम करते हैं, आपको ऐसे समझाया जाएगा जैसे कि कोई चीज अगर मैं बोल रहा हूं तो आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट मैंने अभी बोला कि एलडीओ लाइन, तो पहले ना हम एलडीओ लाइन बोलने से पहले ना पहले हम आपको एलडीओ लाइन दिखाएंगे कि होता कैसा है, ताकि मैं जब एलडीओ लाइन बोलूं तो आपको नजर आ जाए। जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको बोला पोटैटो, तो अभी आपकी दिमागों में पोटैटो आ गया होगा, अभी मैंने बोला एप्पल तो आपकी दिमागों में एप्पल आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से आप चाहे फ्रेशर हो या पहले से काम करते हो, पहले आपसे पूछा जाएगा क्या आप ये जानते हैं, नहीं, अगर आप पहले से काम करते हैं तो, अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आपको ना वो चीज के बारे में बताया जाएगा, उस चीज को दिखाया जाएगा, देन उसके बाद एक्सप्लेन कराया जाएगा, यानी किया जाएगा, ताकि आपको इजीली जो है ना वो समझ में आ जाए। देखिए इमेजिन से ही समझ में आएगा, लाख में अच्छे समझा दूं, लाख अब जैसे मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूं ईवीआई पीएक्स, आप क्यों सुन पा रहे हो लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन वही अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं फिर बोलूं तो आप उसको इजीली चेक
यानी इजिली उसको पहचान कर सकते हैं और इजिली उसको चेक कर सकते हैं, तो इजिली आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहां पे, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करते हैं और कुछ एंक लेकर के जीरो हो जाता है, जैसे ये हो गया, जैसे हो गया ये मान के चलिए डीसी पावर सप्लाई मशीन, ठीक है, और ये आपका हो गया फोन, ये हो गया बैटरी कनेक्टर, ये प्लस ये माइनस, यहां पे हमने डीसी मशीन को कनेक्ट कर दिए हैं, इधर आपका रेड, इधर हो गया ब्लैक, रेड आपका प्लस होता है, ब्लैक माइनस होता है, तो प्लस को प्लस पे लगा दिए, अब ब्लैक वाले को चाहे तो हम ग्राउंड से लगा दें या फिर चाहे तो हम ब्लैक वाले पे लगा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे, पावर बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहां पे एम्पियर लेता है, यानी 70 मिली एम्पियर, 60 मिली एम्पियर, 120 मिली एम्पियर, और जब हम इसको छोड़ देते हैं पावर बटन तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बैटरी की भी दिक्कत आती है, तो आप पहले बैटरी को दूसरी लगाकर देखें, क्योंकि कई बार डीसी मशीन से प्रॉपर ऑन नहीं होता है, लेकिन बैटरी दूसरे लगाने के बाद भी एक सेम प्रॉब्लम है, तो ये आपका पहला होता है वीपीएस लाइन चेक करना, पहला आपका होता है वीपीएस लाइन चेक करना, उसके बाद ये सारे लाइन चेक किया जाता है स्टेप टू स्टेप, तो ये सारे आपको सिग्नल लाइन के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं बक 4, बक 3, एलडीओ 3, बक 2, बक 5, एमपीपी आपका मल्टीपर्पज पिन, वेरिएक A5, ये सारे स्टेप टू स्टेप क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो ये समझने के लिए ना आपको पहले समझना होगा कि व्हाट इज बक लाइन और व्हाट इज एलडीओ लाइन, यानी व्हाट इज बक लाइन एंड व्हाट इज एलडीओ लाइन, एलडीओ लाइन क्या होता है और बक लाइन क्या होता है, कैसे ये आउटपुट होता है, पीएम से कैसे आउट होता है, कितनी सप्लाई आउट होती है, आपकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तब जाके आप पूरे सीक्वेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, पहले आपको बक पता होनी चाहिए, उसके बाद एलडीओ पता होनी चाहिए। तो यदि अगर आप बक और एलडीओ के बारे में जानना चाह रहे हैं या आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट करें, आपको सारी चीजें कंप्लीट बताया जाएगा इमेजिंग के साथ, क्योंकि विदाउट इमेजिंग आप प्रॉपर वे से नहीं समझ पाएंगे। पहले आपको माइंड को देखा जाएगा, रीड किया जाएगा, जज किया जाएगा किस टाइप को आप समझेंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग कैपेबिलिटी होता है समझने का, अलग अलग तरीका होता है, पहले उस चीज को एब्जॉर्ब किया जाएगा, देन उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, उस चीज के बारे में समझाया जाएगा। जो अगर आप मान के चलिए आप सालों सालों से काम कर रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, और आपको कंप्लेंट के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आप आइए, आपको एक दिन में ही, पहले दिन देखिए, जो हमारे जो क्लासेस लिए होंगे, जो भी सीखे होंगे, उनको पता होगा जो मैं भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि एक दिन में ही आपको 4 कंपोनेंट की पहचान, यानी हमारा तरीका होता है पहले कंपोनेंट का पहचान कराना, उसके बाद कंपोनेंट का टेस्टिंग, यानी 4 कंपोनेंट की पहचान एक ही बार करा देते हैं, ओनली पहचान, ताकि जब भी क्लासेस में क्या होता है कि कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर कैपेसिटर क्या है, तो जब आप पहले आपको पहचान बता दीजिएगा ना, तो क्लासेस में ये कैपेसिटर निकाल दो, ये डायोड निकाल दो, तो आपको ना वो चीज समझ में आ जाए, अच्छा हाँ मैंने ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं डायोड ऐसा होता है, और आपको अच्छा भी फील होगा, जितना आप अच्छा फील करेंगे उतना ही आपका माइंड क्या होगा, ज्यादा बोलेगा समझने का, भाई और समझो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। तो कंपोनेंट की पहचान में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे से बताया जाता है, ठीक है, और टेस्टिंग भी आपको बेसिक तरीके से बताया जाता है, जैसे कि कंडक्टर चीज में क्या आता है, बीप आता है, अब वो कंडक्टर क्या होता है, तो जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें करंट मारता है उसमें आपका बीप आता है, और जिसमें कंडक्टर नहीं होता है, जैसे लकड़ी, गत्ता, प्लास्टिक, इन सब में बीप नहीं आता है, आपका लोहा, तांबा, सोना, जिसमें कंडक्टर मटेरियल होते हैं उसमें बीप आता है। तो पहले ये सारे ना जो आपको समझाया जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग जब बताया जाएगा तो बिल्कुल इजी वे से आपको टेस्टिंग समझ में
आ जाएगा। देखिए ये इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिए कि हाँ ऐसा भी होता है, पूरे हम कैसे फोन ऑन होता है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेप टू स्टेप अगर इसे सीक्वेंस से किया जाता है, अगर इन फ्यूचर इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल्स एक अलग सेपरेट बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कैसे सीक्वेंस से करते हैं तो इस तरीके सीक्वेंस से करते हैं। ये सीक्वेंस को समझने से पहले आपको बक और रेडियो क्लियर होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।